हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेज स्टाइलिस्ट विद नीतू। तो टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड के बालों को कैसे काटा है। और देखिए यहाँ पर पहले और अब में कितना ज़्यादा अंतर है, और बहुत ही इजी स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ। और बस आप मेरे जो स्टेप हैं उसे फॉलो कीजिएगा। ऑलरेडी मैंने ये जो वीडियो है बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में बनाया है, नहीं तो वीडियो जो है बहुत ही लेंदी हो जाता, तो आप बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा। आप देखिए पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक। स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर जो अपने ट्रिमर को है 4 नंबर पर सेट किया है, क्योंकि मुझे जो है तीनों साइड में जो है काफी छोटे छोटे बाल चाहिए थे। तो हमें जो ट्रिमर को है नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं आपको लेना है, सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है और जिगजैग डायरेक्शन में लेके जाना है। 3 डायरेक्शन के अलावा चौथा डायरेक्शन बिल्कुल मत यूज कीजिएगा। तो बस देखिए इस तरीके से जो है ट्रिमर को हमें नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है। हेयर कट करने में मुझे करीबन 30 मिनट्स लग गए थे, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडिटिंग करी और फास्ट फॉरवर्ड में किया, इसलिए जो वीडियो है वो 6.5 मिनट का है। तो आप ज़रा पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे कीजिएगा, तो आपको जो मनचाहा रिजल्ट है वैसा मिलेगा। और वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा, जैसे मैं स्टेप बता रही हूँ आप वैसे ही कीजिए। बहन जैसा स्टेप बता रही ना वैसे आप फॉलो कीजिए, आपको एग्जैक्टली वैसा ही हेयर कट मिलेगा। और जो ये जो 3 साइड्स है ना हमारे हेड का, जो 3 साइड्स होता है वहाँ पर हमें सिर्फ ट्रिमर का यूज़ करना है। हमें जो हमारा क्राउन एरिया जो होता है, ऊपर साइड जो होता है ना, वहाँ हमने सिर्फ कैची से कटिंग करी है। बहुत ही इजी स्टेप बता रही हूँ, बस आप जैसा मैं बता रही हूँ वैसा फॉलो कीजिए, कोई भी आपको डिफिकल्टीज नहीं होगी और बहुत ही जल्दी आपके जो हेयर कट है वो हो जाएगा। बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है ट्रिमर से जब आप पे हेयर कट करते हैं। मेरे चैनल पर मैं हमेशा इस तरीके के बेहतरीन वीडियोस लाती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, फ्री की चीज़ें क्यों छोड़नी है। तो देखिए इसी तरीके से जो है मैंने 3 साइड्स कर लिया। उसके बाद आगे जो बाल हैं उन्हें हमें ऐसे रख के और कैची से जितना भी लेंथ आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। मेरे हस्बैंड को काफ़ी छोटे बाल पसंद हैं तो मैंने उनके अकॉर्डिंग किया। आपको अगर लंबे चाहिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हेयर कट कर लेंगे। और फिर हमें जो है अब हम यहाँ पे थोड़ा कैची का यूज़ करेंगे, क्योंकि कैची से थोड़े काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो ये जो है ये क्राउन एरिया होता है हमारा, ये जो ऊपर वाला है ये होता है हमारा क्राउन एरिया। तो यहाँ हमें सिर्फ कैची से कट करना है। और ये जो साइड है यहाँ पर मैं फिर से ट्रिमर का थोड़ा यूज़ करूँगी और जो बाल हैं उन्हें इस तरीके से काटूँगी। अब यहाँ काटने के लिए जो है मैंने ट्रिमर को अपने 3 नंबर पे कर दिया है, और उसके बाद अब मैं जो है वो कैची से काटूंगी। देखिए इस तरीके से जब आप काटेंगे तो आपको ना बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि कहाँ छोटे बड़े। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके बाल बहुत ही इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ छोटा है कहाँ बड़ा है। बस इस तरीके से बालों को ऊपर खींचेंगे और आपको बिल्कुल सीधा जो है कैची को चलाना है। आपका जो गाइडलाइन है वो नीचे साइड है, आपको दिख जाएगा कि जहाँ पर छोटा है छोटे से नीचे से काटना स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ बस आपको सीधा काटना है। और बहुत ही इजी है, जो 3 साइड्स जो आपके बालों को है वहाँ पर इसी तरीके से कट करना है आपको। मैंने अपने बेटे का भी हेयर कट किया था, उसका भी जो है वीडियो मैंने डाला है, तो उसका जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। वो भी मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है। और देखिए इस तरीके से फिर एक एक सेक्शन लेंगे हम, और हमें बस सीधा काटना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस इस तरीके से जो है पूरे बालों को हमें इस तरीके से ऊपर करना है और बस काटते जाना है। उसके बाद मैंने यहाँ ट्रिमर लिया है और मैंने ट्रिमर को इस तरीके से जो भी मैंने अभी हेयर कट किया था उसमें बस मैं बहुत ही हल्के हाथों से कर रही हूँ, ताकि जो बाल अगर थोड़े भी ऊपर नीचे हुए हों तो वो सेट हो जाएं अच्छे से। तो ट्रिमर से जो करने से बहुत ही जल्दी और इजी हो जाता है। मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम पे भी है, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद हम पाउडर लेंगे और उस इस तरीके से जो पूरा हमारे जो एक्स्ट्रा बाल जो कटे हैं वो चिपक गए हैं उन्हें हटा देंगे, क्योंकि अभी जो है हमें बाल काटने हैं। तो उसका ट्रिमर को लेंगे और जिस तरीके से भी आपको शेप चाहिए उस तरीके से आप काट सकते हैं, मैंने तो इस तरीके से काटा है। और ट्रिमर से जो है वो कहीं भी कटिंग करने में बहुत ही ईजी रहता है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो बस जैसा आपको शेप चाहिए आप उस हिसाब से काट दीजिए।
बालों को काटने के लिए आपको ट्रिमर और कैची तो चाहिए, साथ में चाहिए थोड़ा सा पेशेंस। बस पेशेंस रखिए और थोड़ा थोड़ा स्टेप स्टेप्स में काटिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से और इजी तरीके से जो हेयर कट हो जाएगा। बैक साइड में इस तरीके से भी मैंने काट दिया है, आपको आपके हिसाब से जितना ऊंचा नीचा चाहिए। मैं ज़्यादा नीचे तक नहीं गई हूँ, अदरवाइज जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, तो मैं ज़्यादा नीचे तक नहीं गई हूँ। आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं कि आपको कैसी डिज़ाइन चाहिए या आपको किस तरीके से हेयर कट चाहिए, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ भी मैंने वैसे ही कर दिया है जैसे मैंने पहले किया था, दूसरे साइड में सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पर भी किया है। तो लास्ट स्टेप बचा है, वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पर एक बेल आइकन आएगा, उसे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे जो भी वीडियोस हों वो आप तक पहुँचे सबसे पहले। और मेरे चैनल पर मैं हमेशा इस तरीके से कोशिश करती हूँ कि वीडियोस डालने के जो आपके लिए हेल्पफुल रहें। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहले और अब में कितना ज़्यादा अंतर है, पहले कैसा हेयर कट था और हेयर कट होने के बाद कितना ज़्यादा अच्छा हेयर कट हुआ है। घर में रहिए, बाहर कहीं मत जाइए, ट्राई कीजिए। ये हेयर कट बहुत इजी है, कोई भी इसे काट सकता है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।